ये रहा हमारा बाथरूम, ये यहाँ पर आपका हाथ। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, के लिए जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए ये। तो गाइस हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, यहाँ सब लोकल नहीं मिलेगा आपको। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम लोग सिनेपोलिस आए हुए हैं, यहाँ का मैं आपको आज ब्लॉग दिखाऊंगा। अगर मॉल का आपने ब्लॉग अभी तक नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा। हाँ, पहला इकलौता, हाँ, यहाँ पटना का। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ का आपने ब्लॉग चेक नहीं देखा है तो मैंने पूरा मॉल का, बियर मॉल का दिखाया है, सिर्फ सिनेपोलिस के अंदर का मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने और मैं दिखाऊँगा अंदर क्या कैसा है, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जो मूवी आने वाला है या फिर हॉल में भी लगा, उनका पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर ये रहा टिकट काउंटर साइड में, सिनेपोलिस बॉक्स ऑफिस जो लिखा हुआ है, और यहाँ से एंट्री है साइड में, लेफ्ट साइड में। और ये है हेलमेट काउंटर ब्लैक सा जो। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर चेकिंग होता है फिर आपको अंदर आने के लिए मिलेगा। तो ये है सिनेमा हॉल का स्क्रीन 4। सिनेपोलिस में टोटल 4 हॉल है यहाँ पर सिनेपोलिस में, और ये रहा स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3। यहाँ पर सब में अलग अलग मूवी लगता है। यहाँ पर पानी पीने का भी लगा हुआ व्यवस्था है, पानी भी पी सकते हैं यहाँ पर अलग से है। मेरा हमारा बाथरूम बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही क्लीन है। वाह, मतलब देखने वाली शान लग रहा है। देखिए डस्टबिन भी रखा हुआ है। और ये वाला है उनके लिए जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए ये। तो देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब मैं क्या बोलूं, अब आप ही बताइए, दिल आ गया भाई बाथरूम में। ये यहाँ पर आपका हाथ को सुखाने के लिए मशीन लगा हुआ है, देखिए ड्राई पूरा सुखा देगा, बस वहाँ पर रखना, आवाज़ करेगा ड्रर और आपके हाथों को सुखा देगा। ये है सिनेपोलिस का हमारा फूड काउंटर, यहाँ पर भी आपको जो पसंद है वो मिल जाएगा, बट थोड़ा कॉस्टली है। ये देखिए आप प्राइस मेनू लगा हुआ है। रीजेंट और मोना सिनेमा का आप ब्लॉग चेक करिएगा मेरा, उससे प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ सिनेपोलिस का सब कुछ भी। तो मूवी स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगा हुआ है, एक बार आप जब एंट्री कर लीजिएगा तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर आपको बैठना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो जब आपको मूवी स्टार्ट होगा फिर आपको अंदर जाने के लिए मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारे स्क्रीन 3 में मूवी लगा हुआ है जो कि जेम्स बॉन्ड है, लेटेस्ट मूवी, लास्ट पार्ट है जेम्स का, बहुत बढ़िया मूवी है, 3D में है। तो ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, पहले आपको चश्मा मिलता है 3D में, चश्मा मिलता है इसलिए लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखिए थोड़ा स्क्रीन छोटा है, पास से ले बड़ा लग रहा होगा, स्क्रीन बहुत ही छोटा है हमारा रहा। 3D चश्मा पूरा पैक है, इसको हम लोग खोलेंगे। ये रहा हमारे हॉल का स्क्रीन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मोना ओरिजिन से छोटा है। और दूसरी बात, यहाँ पर डॉल्बी साउंड भी नहीं है, साउंड यहाँ का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ का 3D बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है पटना का 3D। तो गाइस हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और हम लोग आइसक्रीम खाने वाले हैं, आइसक्रीम नवीन ने बाय कर लिया है। मूवी के बाद थोड़ा आइसक्रीम ट्राई कर लिया, मज़ा आ गया। हाँ, बहुत दिन से नवीन को थोड़ा प्यास लगा हुआ था, तो कैसा लगा आइसक्रीम? तो बहुत बढ़िया, यहाँ का तो खराब लगेगा नहीं, यहाँ सब लोकल नहीं मिलेगा आपको। इसका पहले वाला ब्लॉग आप चेक कर लिया, मैंने यहाँ पर ब्लॉग बना चुका हूँ मैं, तो यहाँ से निकलने वाले हैं आइसक्रीम खाने के बाद। तो गाइस हम लोग हॉल से निकल गए, मूवी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा मूवी नवीन, बताओ अच्छा था? थोड़ा बीच में बोरिंग हो गया था, लेकिन ज्यादा किस दिया, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा था। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाहर जाइए, मास्क लगा के जाइए।